असल आई डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो कि है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स इससे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर जो था वो ड्रा किया था उससे आगे जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर नंबर वन है उसका पेज नंबर सिक्स के ऊपर एक हैडिंग है दैट इज द ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है सो हमारे पास हेडिंग है करस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आपने बताना ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यानी कि अक्रंस का मतलब होता है मौजूदगी तो इनकी मौजूदगी कहाँ कहाँ होती है सो so, आपकी बुक की लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकेंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंसेस इन द नेचर आफ्टर वाटर तो दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होता है आपके पास वाटर यानी कि दुनिया का जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट अकरिंग सब्सटांस है दुनिया के अंदर डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट तो आप लिख सकते हैं सेकेंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है फर्स्ट मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस कौन सा है इज वाटर यहां पे लिख दें पूरा कर दें इज कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट दुनिया में दूसरे ज्यादा मेदार में पाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है प्लांट्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपके पास प्लांट्स uh, uh, होते हैं तो पानी के अलावा दुनिया में जो दूसरी मोस्ट अखरिंग चीज होती है वो आपके पास प्लांट्स होते हैं और उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं याद रखिएगा प्लांट्स बेहतरीन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और एनिमल्स जो हैं वो बेहतरीन सोर्स होते हैं प्रोटीन का तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको एनिमल फूड खानी चाहिए जैसे कि गोश्त हो गया अंडे दूध दही का कर इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है प्लांट्स होते हैं चाहे आप वेजिटेबल्स की शक्ल में खाएं आप आप फ्रूट की शक्ल में खाएं या आप उसको जो है वो दालों या सब्जी पलसीस की शक्ल में खाएं ठीक है जी आ, आपको पता है जनाब जो प्लांट की सेल वॉल होती है सेल वॉल ऑफ प्लांट जो है वो सेल्लोज की बनी हुई होती है तो अक्सर पूछ लिया जाता है सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ किस चीज की बनती है सेलुलोज की बनती है सेलुलोज क्या है सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट ठीक है सेलुलोस क्या है सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट की एक शक्ल है और ये प्लांट की सेल वाल बनाने के लिए जरूरी है तो आप जब प्लांट का वेट करते हैं तो आप देखते हैं प्लांट का वेट बहुत ज्यादा होता है तो प्लांट का जितना भी वेट है उस वेट का 50 से 80 परसेंट हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल है सो तो आप लिख सकते हैं 50 टू 80 परसेंट ऑफ प्लांट वेट सेलुलोज प्लांट का तकरीबन अस्सी फीसद हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है so, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मैंशन की गई है प्लांट्स के हवाले से यहाँ पे एक एमसी क्यू अक्सर पूछा जाता है कि प्लांट की सेलवॉल किस चीज की बनती है प्लांट की सेलवाल कार्बोहाइड्रेट्स की बनती है जिस, जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनती है फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनती है और जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है आपके पास आ, आ, क्या नाम था उसका पॉलीपेप्टाइड्स की बनती है ठीक है तो जबकि इंसानों में और जानवरों में आपके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती इंसानों और जानवरों में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है और इंसानों में जानवरों में परिंदों में सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो ये चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं उसके बाद आपके पास अगली हेडिंग आती है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है इसमें अगर आप सिर्फ इक्वेशन भी मैंशन कर दें तो भी काफ़ी है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पर किस तरह से पैदा होती है आपकी बुक के अंदर एक बहुत अच्छी इक्वेशन मेंशन की गई है बट ये है कि उसको बैलेंस नहीं किया हुआ ठीक है तो आप उसको बैलेंस करेंगे बुक की इक्वेशन है कि सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक ग्लूकोज बनती है जिसको आप सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कहते हैं और साथ साथ आपके पास ऑक्सीजन बनती है आपकी बुक में ये छह मेंशन नहीं है ये मेंशन नहीं है और ये वाला सिक्स मेंशन नहीं है ठीक है तो इसको आप बुक के अंदर ऐड कर लेंगे इससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है बैलेंस से क्या अमराद है आप देखिए कि आपके पास कितनी ऑक्सीजन है यह छे ये और दो ये बारह और ये अठारह ऑक्सीजन है तो बारह ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये तो अठारह ऑक्सीजन हमारे पास पूरी हो गई है हमारे पास कितनी कार्बन है 6 कार्बन है सो so, हमारे पास 6 कार्बन यहां पे हैं हाइड्रोजन कितने हैं छुनी बारह तो हमारे पास बारह हाइड्रोजन मौजूद हैं इसको कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना ठीक है सो दिस इज कार्ड फोटोसेंथिस फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं लव्स फोटो का मतलब क्या होता है फोटो का मतलब होता है लाइट सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना लाइट की मौजूदगी में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब प्लांट अपनी फूड खुद तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं अब यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं आप देखें कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं रिलीज करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इस्तेमाल करते हैं और जमीन से पौधे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर से वो सूरज की रोशनी में उनके पत्तों के अंदर फोटोसेंथिसिस होती है और एज अ रिजल्ट आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है डैट इज कार्ड कार्बोहाइड्रेट जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं या इसको आप शुगर भी कहते हैं और ये बेहतरीन सोर्स होता है एनर्जी का इस कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को प्लांट्स क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर महफूज कर लेते हैं और इससे अपने लिए प्ला, प्लांट जो हैं वो फ्रूट्स बनाते हैं सब्जियां बनाते हैं और जो उनके फ्लावर्स होते हैं सीड होते हैं उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं और इससे अपनी तोानाई हासिल करते हैं और क्या करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन बनी है इस ऑक्सीजन को वो हवा के अंदर रिलीज कर देते हैं और हम इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है इस प्रोसेस को आप कहते हैं फोटोसेंथसिस करना यानी कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना जमीन से वाटर लेना और बदले में हमारे लिए ऑक्सीजन बनाना और प्लांट अपने लिए क्या बनाते हैं शुगर बनाते हैं या आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं ठीक है तो कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड फोटोसेंथसिस उसके बाद एक और अक्सर चीजें पूछी एक चीज पूछी जाती है कि वट इज द रेस्परेशन इन प्लांट दिस इज फोटोसेंथिस रेस्परेशन क्या होता है प्लांट के अंदर कि प्लांट रेस्परेशन कैसे करते हैं रेस्पिरेशन uh, का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें आप सांस लेते हैं उसको रेस्परेशन uh, कहते हैं याद रखिएगा जब इंसान सांस लेता है या रेस्पिरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जबकि प्लांट के केस में क्या होता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और बदले में क्या निकालते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा कर दें यानी इस एरो को अगर हम इस तरफ कर दें तो ये आपके पास रेस्पिरेशन बन जाता है ठीक है आपकी बुक के अंदर ये मेंशन भी है तो अब मैं क्या करूंगी कि प्लांट क्या करेंगे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट अपनी बॉडी में मौजूद ये जो ग्लूकोज है या ये जो शुगर है या ये जो कार्बोहाइड्रेट है या ये जो एनर्जी है मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये एनर्जी है और ये जो ऑक्सीजन है इसको कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है थीके? इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर के अंदर और साथ साथ आप यहाँ पे एनर्जी भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो अगर आप ये देखें तो ये लाइन हमने क्या कर दी है इसी प्रोसेस को मैंने रिवर्स कर दिया है मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ इस प्रोसेस को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है ये आपके पास रेस्पिरेशन बन जाता है ऐसा ही है हमने क्या किया है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स अपनी बॉडी में से ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं और अपने लिए क्या बनाते हैं अपने लिए उक... कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी बनाते हैं और साथ साथ हमने लिए एनर्जी बनाते हैं दिस इज कार्ल रेस्पिरेशन इन प्लांट अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसेंथिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट तो एक ही इक्वेशन है आपने सिर्फ एरो की तरतीब याद रखनी है और आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है अटेम्प्ट हो जाता है उसके बाद आपके पास आता है जनाब एक और हेडिंग है जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कि आपको जो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के लिए जो डेली एक्टिविटीज आप करते हैं आप सांस लेते हैं आप खाना खाते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं आप पढ़ते हैं इस तमाम कामों के लिए आपको क्या चाहिए होती है एनर्जी चाहिए होती है तो आप जितनी भी फूड खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं इन तमाम चीजों में से जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है वो किससे मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है सो so, लिखा जाता है कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उस एनर्जी का 55 परसेंट सोर्स हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं ठीक है ठीके? एक यूनिट होता है यूनिट का नाम है कैलोरी कैलोरी जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का तो तवन, का ठीक है तो उसको आप कहते हैं कैलोरी तो हम लिखते हैं एक स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर कि फिफ्टी ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कम फ्राम कार्बोहाइड्रेट की जो हम डेली हमें अगर हंड्रेड परसेंट एनर्जी हमें चाहिए होती है तो उस हंड्रेड परसेंट एनर्जी का हमारे पास कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट में से आ रहा होता है फिफ्टी फाइव परसेंट जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में से आ रहा होता है ठीक है उसके बाद आ, अगर आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ठीक है थीके? एक ग्राम का कोई आप फ्रूट खाते हैं तो वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कितना प्रोवाइड करती है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोवाइड करती है ऑलमोस्ट फोर कैलोरीज के एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको चार कैलोरीज मिलती हैं तो ये जो एम सी क्यू है ये आपकी एक दफ़ा फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ है ठीक है तो इसको जरा आप अच्छे से देखिएगा तो ये जो पेज नंबर छः है पेज नंबर सिक्स है आपकी बुक के अंदर से उसमें से ये ये मेन टॉपिक्स हैं ये ये मेन बातें हैं जो आपसे एम सी क्यू से पूछी जा सकती हैं या आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं या आपसे रिटर्न में भी जो मेजर पोर्शन है वो यही है ठीक है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज